तो नवरात्रि शुरू हो गई है और नवरात्रि के व्रत में कद्दू और आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बनाते हैं आज कद्दू की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीनास 24 किचन। तो अब सबसे पहले मैंने 1 kg के करीब कद्दू ले लिया है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये व्रत वाले कद्दू बन रहे हैं, इसीलिए जो इसमें मसाला हम डालेंगे पहले वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने जीरा, काली मिर्च और साबित लाल मिर्च को एक साथ मिक्सी में पीस लिया है। अब मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है, तो अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे और घी डालने के बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो कुछ मेथी के दाने इसमें डाल करके 2 से 3 साबित लाल मिर्च का हम तड़का देंगे। इसके बाद इसी तड़के में 2 आलूओं को काट करके डाल देंगे और इसके बाद सारे कद्दू को हम इसमें डाल देंगे। कद्दू को थोड़ा सा चलाएंगे और चलाने के बाद स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक डालने के बाद सब मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम तेज ही रखेंगे, क्योंकि कद्दू में बहुत पानी होता है, तो वो पानी जब सूखेगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। 6-7 मिनट के बाद जब कद्दू का आधा पानी सूख जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें मसाला डालेंगे जो हमने बनाया हुआ था, और उसके बाद इसे चलाएंगे। और 5 मिनट के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी की मिठास कद्दू में बहुत अच्छी लगती है। थोड़े से चटपटे और थोड़ी सी मिठास लिए हुए जो कद्दू बनते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। कद्दू का सारा पानी जल जाने के बाद बस उसे 5 मिनट भूनेंगे और हमारे व्रत वाले कद्दू बनकर एकदम तैयार हैं। इस नवरात्रि पर आप मेरे बताए हुए मसाले और मेरे बताए हुए कद्दू को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।